नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न 8 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, पहले हम आकृति के माध्यम से यह प्रश्न समझते हैं, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। देखिए बच्चों, यह है इस प्रकार से भूमि, इस पर यह एक पेडेस्टल है। बच्चों पेडेस्टल क्या है, किसी मूर्ति के नीचे जो कोई भी स्टैंड हो, कुछ भी ऐसा, उसको पेडेस्टल कह दिया गया। इस पेडेस्टल के ऊपर ये एक मूर्ति है, इस प्रकार से। अब बच्चों देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का यह एक बिंदु है, इससे मूर्ति का शिखर, देखिए ये मूर्ति है, ये पेडेस्टल है, यही आपको समझना है। ये पेडेस्टल है नीचे स्टैंड, ये ऊपर मूर्ति है। तो भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये हो गया 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, ये है ना शिखर, तो इसका शिखर का ये कोण है 45 डिग्री। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी किया था बच्चों, हमारे पास यहां पर दो त्रिभुज बन गए। आइए पहले इसका नाम लिख लेते हैं, यह है ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी। अब हमारे पास एक छोटा त्रिभुज बन जाएगा, बी सी डी, और एक यह बड़ा त्रिभुज बन जाएगा ए सी डी। ACD में जो यह उन्नयन कोण है 60 डिग्री है और BCD में यह जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था, जब भी दो त्रिभुज हो तो 45 डिग्री वाले त्रिभुज को पहले ले लेते हैं। त्रिभुज है BCD, तो हम मान लेते हैं पहले पेडेस्टल की ऊंचाई है, मान लो पेडेस्टल की ऊंचाई जो कि है BC बराबर H मीटर, तो ये हो गया H, ये हो गया H मीटर। ठीक है बच्चों, तो इन ट्राइंगल BCD, मैंने आपको पहले भी बताया था जिस त्रिभुज में 45 डिग्री होगा सबसे पहले वो त्रिभुज आप ले लेते हैं। ठीक है, तो BCD त्रिभुज में tan 45 डिग्री, tan क्यों लगा बच्चों, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, हमने परपेंडिकुलर और बेस की ही बात करनी है, परपेंडिकुलर बटा बेस, और परपेंडिकुलर है BC यानी कि H, बेस है CD। tan 45 होता है 1, BC हमें पता है H मीटर हमने शुरू में ही लिखा था, बटा CD, तो यहां से बेटे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, CD 1 से गुना होकर हो जाएगा CD बराबर H मीटर, यहां से CD आ गया है हमारे पास H मीटर। अब बच्चों अब हम लेंगे बड़ा त्रिभुज ACD, इन ट्राइंगल ACD, फिर से अब त्रिभुज में जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, तो हम लेते हैं tan 60 डिग्री और यह बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस के, जहां की परपेंडिकुलर है AC। अब बच्चों देखिए AC किसके बराबर है,
इसमें जो मूर्ति की ऊंचाई है वह है 1.6 मीटर। तो बच्चों एसी किसके बराबर है, 1.6 प्लस एच के, है ना बच्चों। ये देखो ये है 1.6 और ये है एच, ये है एसी बटा बेस है सीडी। टेन 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3 बराबर एसी, एसी है 1.6 प्लस एच बटा सीडी। सीडी कितना है बच्चों, सीडी हमने अभी निकाला है एच। तो यहां से बच्चों हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, एच √3 से गुना होकर हो जाएगा √3H बराबर 1.6 प्लस एच। ये एच 1.6 के साथ प्लस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से अब बच्चों देखिए यहां भी एच है यहां भी एच है, इन दोनों में से एच को कॉमन ले लो, √3H में से एच बाहर कॉमन चला गया, बाकी बच गया √3 माइनस माइनस एच में से एच बाहर कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1, क्योंकि एच को एच से भाग करके आता है 1 और यहां पर है 1.6। अब बच्चों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एच बराबर 1.6 √3 माइनस 1, ये ब्रैकेट एच के साथ गुना हो रही है उधर जाएगी तो यह है 1.6 के साथ भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब काफी बच्चों को लगेगा कि ये उत्तर आ गया, लेकिन हमें पता है बच्चों जब भी हर में रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो अब हमने वही परिमेयकरण करना है, देखिए कैसे, एच बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, यहां माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर, माइनस का उल्टा निशान लेना है, संख्याएं यही रहेंगी, √3 √3 वन वन, यहां माइनस था तो यहां प्लस, इसी से नीचे गुना करना है, इसी से ऊपर गुना करना है और इसी से नीचे गुना करना है। तो हमारे पास बच्चों हम इसको यहां हल करते हैं आगे, हमारे पास h आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा नीचे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो h आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वेयर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वेयर होता है 1। तो बच्चों h आ गया 1.6 इंटू √3, ऊपर वाली रकम बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, बटा 3 में से 1 निकाला 2। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान से, एच बराबर 1.6 को 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 0.8 और साथ में √3 प्लस 1 मीटर 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 मीटर। तो यह आ गई ऊंचाई, यह ऊंचाई किसकी है बच्चों, पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो एक काम आपने करना है, इस एच के नीचे आपने लिख देना है पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके नीचे आ जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।